स्वागत है आप सबका दिल से हमेशा की तरह। अभी मेरी भांजी की शादी है, मुझे जाना है ननंद के यहाँ, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ मिठाई बनाई जाए अच्छी सी, क्योंकि बिना मिठाई के तो ननंद के जा ही नहीं सकते, और वो भी भांजी की शादी में। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया है, क्यों ना मैं स्ट्रॉबेरी के सैंडविच बनाऊँ। तो देखिए कितने बढ़िया स्ट्रॉबेरी के सैंडविच बने हैं, और बहुत ही ईजी और बहुत ही जल्दी से बन गए हैं। देखते ही मुँह में आ जाए पानी। तो जल्दी से रसोई में चलते हैं और जानते हैं कि इसको कैसे बनाए हैं। मैं देखा अभी हमारी स्ट्रॉबेरी कोकोनट बर्फी कितनी बढ़िया बनी थी, बनी थी ना। तो उसको बनाने के लिए मैं डाल रही हूँ उसमें 2 चम्मच घी, क्योंकि मिठाइयाँ जो है वो घी में ही अच्छी लगती है ना। और ये लिया है मैंने पूरा 1/2 किलो कोकोनट पाउडर, है ना, ये मैंने मार्केट का लिया हुआ है। आप चाहें तो इसमें कोकोनट घर में भी बना सकते हैं, कई लोग घर में बनाते हैं। मैंने ये मार्केट से पाउडर लिया है, ये बहुत ही बढ़िया सा है, तो काफ़ी अच्छा सा है। इसको मैं इसका भून लेती हूँ, इतना भून लेते हैं कि इसमें जो कच्चापन रहता है वो ना आए और हमारा जो नारियल का बुरादा है वो अच्छे से भून जाए। का बुरादा हमारा अच्छे से भून गया है, देखिए बस कलर भी हल्का सा चेंज हो गया है। अब हम क्या करेंगे इसमें, इसमें मिल्क पाउडर डालेंगे करीब 150 ग्राम, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ही डालेंगे, और फुल मलाई वाला, और इसको अच्छे से भूनेंगे। देखिए अगर हमको लगता है कि कम है तो हम थोड़ा सा इसमें और डाल देंगे। मुझे लग रहा है थोड़ा कम है, क्योंकि हमारा जो बुरादा था वो 1/2 किलो है, तो जो दूध आएगा वो करीब 300 ग्राम आएगा। इसको अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए इसी स्टेज पे मैं डाल दूंगी इसमें थोड़ा सा मिल्क पाउडर करीब 5 चम्मच, 2, 3, 4, 5 चम्मच। इससे बिल्कुल मावे का टेस्ट आएगा। आज मेरे पास मिल्क पाउडर था तो मैंने सोचा थोड़ा सा इसमें मिल्क पाउडर डाल देते हैं, जिससे इसमें जो टेस्ट आएगा वो थोड़ा सा मावे का फ्लेवर आएगा और बहुत ही बढ़िया सा लगेगा। ये देखिए इसी स्टेज पे मैं डाल दूंगी इसमें शक्कर। तो 1/2 किलो हमारा बुरादा है, तो करीब 400 ग्राम हमको उसमें शक्कर डालनी ही पड़ेगी, है ना। तो मैं शक्कर डाल देती हूँ और ये धीरे धीरे इसमें पिघलने लगेगी। ये देखिए, और बिल्कुल इसको धीमी आंच पे पकाइएगा, है ना, नहीं तो ये मिल्क पाउडर है और बुरादा है तो इसमें लगने का थोड़ा डर रहता है। इसलिए बिल्कुल धीमी धीमी आंच पे हम इसको शक्कर पिघलने तक पकाएंगे। ये देखिए बिल्कुल ये बर्फी बनने लायक एकदम रेडी हो गया है, शक्कर एकदम पिघल गई है। ये देखिए कितना बढ़िया हो गया। ये देखिए कढ़ाई पूरी छोड़ दी इसने अच्छे से। तो अब हम क्या करेंगे इसके, अब हम इसके 3 हिस्से कर लेंगे। मैं बनाऊंगी थोड़ा सैंडविच स्टाइल में, है ना, तो ये 3 हिस्से हम इसके बराबर बराबर कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 हिस्सों को तो हम थाली में निकाल देते हैं। ये देखिए एक हिस्सा, तो ये 2 हिस्से ये मैं थाली में निकाल देती हूँ, ठीक है। और अब हम इसमें क्या करते हैं, जो एक हिस्सा हमारा ये बचा है ना, ये देखिए इसमें मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी एसेंस। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, बट मुझे थोड़ा कलरफुल अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा चलिए ठीक है, मेरी भांजी की शादी है और अभी मार्केट में मिठाई नहीं मिल रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना सबको बढ़िया सी स्ट्रॉबेरी मिठाई खिलाई जाए और सबका दिल खुश किया जाए, क्योंकि कलरफुल चीज़ देख के तो सबका मन खुश हो ही जाता है। ये देखिए है ना कितना प्यारा कलर आया स्ट्रॉबेरी एसेंस का। ये देखिए गैस को मैं ऑफ कर देती हूँ और इसको मैं ठंडा करने के लिए रख देती हूँ। ये देखिए इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको ठंडा होने देते हैं थोड़ा सा। चाहे तो थाली में भी कर सकते हैं, बट मैं इसको पॉलिथिन पे अच्छे से कर रही हूँ। देखिए ये पॉलिथिन ली मैंने, इसमें अच्छे से अपन घी को स्प्रेड कर देंगे। देखिए ये देखिए ठीक है, अब हम एक हिस्सा लेंगे, ये देखिए, और उसको अच्छे से सेट कर देंगे। ये देखिए थोड़ा सा अभी गर्म है, ये देखिए ये देखिए हमारा इसको हमने अच्छे से कर लिया है स्क्वायर। आप स्क्वायर गोल कैसा भी कर सकते हैं, देखिए बिल्कुल एक जैसा हो गया ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना दूसरा पीस लेंगे, ये देखिए, और इसको अच्छे से इस पर स्प्रेड कर देंगे। इसको भी मैंने अच्छे से स्प्रेड कर लिया, ये देखिए कितना बढ़िया हो गया ना, क्योंकि हम बना रहे हैं आज बहुत ही बढ़िया सी कलरफुल कोकोनट सैंडविच, है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा जो तीसरा पार्ट है उसको भी हम ऐसे अच्छे से करके स्प्रेड कर देंगे। देखिए ये देखिए हमारा एकदम स्प्रेड हो गया, हमने अच्छे से इसको कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा सूखा नारियल डाल देंगे इसमें, जिससे कि अच्छे से ये सेट हो जाए, और इसको 1/2 घंटे के लिए हम ऐसे छोड़ देते हैं। अगर आप चाहें तो इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, है ना। ये देखिए हमारी बिल्कुल जो सैंडविच बर्फी बिल्कुल सेट हो चुकी है अच्छे से, इसमें थोड़ा सा सूखा नारियल भी डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बिल्कुल ऑप्शनल ही है ना, बिल्कुल ही ऑप्शनल है ये थोड़ा सा चांदी का बरक लगा देते हैं, जिससे कि थोड़ा सा बिल्कुल मार्केट वाला लुक आता है।
2 घंटे हो गए हैं और फ्रिज में ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया। देखिए दिख रहा है आपको, बहुत ही अच्छे से सेट हो गया। अब मैं क्या करूँगी, आप चाहें तो इसके कोई भी पीस कर सकते हैं। मैं इसके स्क्वायर पीस काट रही, ये देखिए, क्योंकि हमने बनाया ये सैंडविच। तो देखिए मैं बताती हूँ आपको कैसे करेंगे हम। ये देखिए, ये देखिए कितने प्यारे और कितने बढ़िया दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ना। अब मैं क्या करूंगी इसको, क्योंकि मैंने बोला है ना आपको सैंडविच, मैं क्या करूंगी इसके, ये देखिए मैं बताती हूँ आपको, ये काटूंगी मैं इसमें ट्रायंगल। तो ये बन गए हैं हमारे बहुत ही जूसी, बहुत ही बढ़िया से सैंडविच मिठाई। देखिए कितनी बढ़िया बनी है, जूसी और बहुत ही बढ़िया सी दिख रही है, दिख रही है ना। तो फटाफट मैं करती हूँ प्लेटिंग, क्योंकि आपके मुंह में भी आ रहा होगा पानी। यार ये हमारी बहुत ही जूसी, बहुत ही टेस्टी और बहुत जल्दी से बनने वाली, सिर्फ 10 मिनट में बनने वाली बहुत ही बढ़िया कोकोनट स्ट्रॉबेरी सैंडविच, देखते ही मुंह में आ जाए पानी। फटाफट आप भी इस रेसिपीज को ट्राई करिए, बनाइए, खाइए, खिलाइए और कोकोनट स्ट्रॉबेरी बर्फी का आनंद लीजिए। कल हम फिर मिलेंगे एक नई सी रेसिपी के साथ, लेकिन उसके पहले मेरे यूट्यूब चैनल हेमा की रसोई को लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। हमेशा की तरह जैसे आप हमेशा कमेंट करते हैं, ऐसे अभी भी कमेंट करिए, क्योंकि मुझे आपकी कमेंट पढ़ के बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि मैं कुछ नया नया सा ट्राई करूँ। तो एंजॉय कोकोनट स्ट्रॉबेरी बर्फी।